हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हाफ रोल प्लास्टिक वायर यूज करके इस तरह न्यू डायमंड डिजाइन प्लास्टिक वायर पूजा बैग बनाने का तरीका मैं बताती हूँ। ये डायमंड डिजाइन पैटर्न में इस बैग बनाई हूँ। इस पूजा बैग का बेस राउंड शेप में मैं बनाई हूँ, नॉर्मल मेथड में नहीं बनाई हूँ। इस बैग बिगनर्स के लिए बहुत आसानी मेथड में मैं बनाई हूँ, उसीलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। पूरे वीडियो को भी ध्यान से देखकर बैग बनाइए। इस बैग में सिंगल कलर का डायमंड दो लाइंस मिला है, मिक्स्ड कलर का डायमंड एक लाइन मिला है। इस तरह इस बैग का डिजाइन मिला है। इस बैग का बेस में सारे नॉट्स भी मिक्स्ड कलर में मिला है। इस बैग का हैंडल मैं इस तरह डबल कलर यूज करके बनाई हूँ। इस बैग का पैटर्न में ही इस हैंडल भी बनाई हूँ। इस हैंडल बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। इस हैंडल बनाने का ट्यूटोरियल नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करने वाली हूँ, आप जरूर देख लीजिए। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबाएं, तभी मेरा वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इस बैग का कलर कॉम्बिनेशन बहुत ब्यूटीफुल मिला है। इस तरह अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक वाइस आपको चाहे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर चैट करके ले लीजिए। इस वीडियो आपको यूजफुल रहा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में आपको कुछ डाउट रहा तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। चलिए हाफ रोल प्लास्टिक वायर यूज करके न्यू डिजाइन पूजा बैग बनाने का तरीका मैं बताती हूँ। इस बैग बनाने के लिए दो कलर्स में भी दो सेट वायर कट कर लेना है। अब पहले सेट वायर मैं कट करी हूँ। इसमें ग्रीन कलर में 3 वायर्स कट करी हूँ, पिंक कलर में 3 वायर्स कट करी हूँ। एक वायर पीस का लेंथ 5 फीट में कट करी हूँ। आप इंच टेप का मेजरमेंट में लिए तो 1.5 मीटर वायर कट कर लीजिए। इस तरह कट करे बाद पिंक कलर में एक वायर लेकर इक्वल फोल्ड करके लेफ्ट हैंड में रख लेना है। बाद में ग्रीन कलर वायर लेकर इक्वल फोल्ड करे बाद राइट हैंड में रख लेना है। इसके बाद नॉट बनाना है, क्रॉस नॉट ही बनाना है। इसके बाद राइट हैंड का ग्रीन कलर वायर को लेकर पिंक कलर वायर के ऊपर इस तरह रख लेना है। पिंक वायर में जो वायर उल्टी है उस वायर को लेकर ऊपर रख लेना है। बाद में ग्रीन वायर में उल्टी वायर को लेकर लूप के अंदर इंसर्ट कर लेना है। इस तरह नॉट बनाना है। 3 नॉट्स भी मिक्स्ड कलर में ही बनाना है। 3 नॉट्स भी बनाए बाद 3 नॉट्स को भी ज्वाइन कर लेना है। 3 नॉट्स भी राउंड शेप में ज्वाइन कर लेना है। वो ज्वाइन करने का तरीका अब बताती हूँ। पहले 2 नॉट्स को भी लेकर इस तरह साइड पर रख लेना है। इस तरह रखे बाद ऊपर एक एक शेप मिला है। पहले लेफ्ट साइड का वायर को फोल्ड करे बाद राइट साइड का वायर को लेकर इसके ऊपर रैप कर लेना है। बाद में नॉट बनाना है, सिर्फ एक साइड में ही नॉट बनाना है। देखिए मैं एक नॉट बनाई हूँ। अब देखिए 3 नॉट्स मिला है। इसमें इस तरह 2 नॉट्स को भी रख लेना है। इस तरह रख के बाद नेक्स्ट वायर को लेकर इसके ऊपर रख लेना है। इसमें देखिए 2 एक शेप मिला है। नीचे एक शेप मिला है, ऊपर एक शेप मिला है। 2 एक शेप में भी नॉट बनाना है। देखिए इस तरह 2 नॉट बनाना है। सारे नॉट्स भी मिक्स्ड कलर में मिलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ ग्रीन एंड पिंक वायर है, नीचे भी ग्रीन एंड पिंक वायर है। पहले ऊपर का नॉट बनाना है। देखिए पहले लेफ्ट साइड का ग्रीन कलर वायर को फोल्ड करे बाद राइट साइड का पिंक कलर वायर को लेकर इसके ऊपर रैप कर लेना है। बाद में नॉट बनाना है। इस तरह एक नॉट बनाए बाद नीचे टर्न करके रख लेना है। बाद में नीचे भी नॉट बनाना है। देखिए नीचे भी एक शेप मिला है, यहाँ भी नॉट बनाइए। इस तरह नॉट बनाए बाद 6 नॉट्स मिलेगा। 3 नॉट्स भी
ज्वाइन होकर 6 नॉट्स मिलेगा। इस तरह राउंड शेप में नॉट्स मिला है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन बनाना है। इसमें देखिए सारे नॉट्स में भी दो दो वायर्स है, दो दो सेम कलर वायर है, टोटल 12 वायर्स है। इसके बाद नेक्स्ट सेट वायर कट कर लेना है। इसमें उस वायर को ज्वाइन करके नॉट बनाना है। अब देखिए मैं नेक्स्ट सेट वायर कट करी हूँ। इसमें पिंक कलर में 9 वायर्स कट करी हूँ, ग्रीन कलर में 9 वायर्स कट करी हूँ। एक वायर का लेंथ 4 फीट कट कर लेना है। स्टेप का मेजरमेंट में आप लिए तो 120 सेंटीमीटर मेजर करके कट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन बनाना है। इसमें देखिए दो पिंक कलर वायर है ना, उसमें ग्रीन कलर वायर ज्वाइन कर लेना है। ग्रीन कलर का वायर के ऊपर पिंक कलर ज्वाइन कर लेना है। इस तरह मिक्स्ड नॉट में नॉट बनाना है। अब देखिए पहले एक ग्रीन कलर वायर को लेकर इक्वल फोल्ड करी हूँ। इसके बाद पिंक कलर दो वायर है ना, उसमें फर्स्ट वायर को लेकर फोल्ड कर लेना है। बाद में ग्रीन कलर वायर को लेकर उसके ऊपर रख लेना है। बाद में यहाँ नॉट बनाना है। देखिए एक मिक्स्ड नॉट मिला है। इसके बाद नेक्स्ट वायर में भी नॉट बनाना है। पहले ग्रीन कलर वायर को फोल्ड कर लेना है, बाद में पिंक कलर वायर को लेकर उसके ऊपर रैप कर लेना है। बाद में इस तरह नॉट बनाना है। अब देखिए यहाँ दो नॉट मिला है, दो नॉट भी मिक्स्ड कलर में मिला है। इसके बाद नेक्स्ट वायर को लेकर नेक्स्ट लाइन बनाना है। देखिए नेक्स्ट ग्रीन वायर को लेकर सेम उसी प्लेस में नॉट बनाना है। फर्स्ट वायर को पहले फोल्ड कर लेना है, बाद में ग्रीन कलर वायर को लेकर उसके ऊपर रख लेना है। बाद में यहाँ भी नॉट बनाना है। फर्स्ट नॉट बनाए बाद सेकंड नॉट भी बनाना है। इसके बाद थर्ड वायर भी सेम इसी तरह ज्वाइन कर लेना है। इस नॉट के ऊपर पहले एक नॉट बनाना है, बाद में दूसरी नॉट भी बनाना है। देखिए एक लाइन में 3 वायर में ज्वाइन करी हूँ। इस तरह मिला है दो पिंक कलर वायर में 3 ग्रीन कलर वायर्स में ज्वाइन करी हूँ। यहाँ देखिए 3 वायर्स में भी दो दो मिक्स्ड नॉट मिला है। सेम इसी मेथड में सारे लाइंस में भी नॉट्स बनाना है। इस तरह दो दो मिक्स्ड नॉट यहाँ मिला है। इसके बाद यहाँ दो ग्रीन कलर वायर है ना, उसमें पिंक कलर वायर अटैच कर लेना है। देखिए इस दो ग्रीन कलर वायर के ऊपर पिंक कलर में नॉट बनाना है। पिंक कलर वायर को लेकर पहले फोल्ड कर लेना है, बाद में ग्रीन कलर वायर को लेकर फोल्ड कर लेना है। बाद में पिंक कलर वायर को लेकर उसके ऊपर रख लेना है। बाद में नॉट बनाना है। इसके बाद सेकंड ग्रीन कलर वायर में भी नॉट बनाना है। यहाँ देखिए दो नॉट मिला है। इसके बाद और एक पिंक कलर वायर को लेकर इस तरह सेकंड लाइन में नॉट बनाना है। सेकंड लाइन में भी दो नॉट बनाना है। बाद में थर्ड पिंक कलर वायर को लेकर इसके ऊपर नॉट बनाना है। यहाँ देखिए यहाँ भी 3 वायर्स में ज्वाइन करी हूँ। इस तरह सारे दो दो वायर्स में भी नॉट्स बनाइए। इस तरह सारे दो दो वायर्स में भी 3 वायर अटैच कर लेना है। पिंक कलर वायर में ग्रीन कलर वायर अटैच कर लेना है, ग्रीन कलर वायर में पिंक कलर वायर अटैच कर लेना है। इस तरह पिंक कलर में 9 वायर्स भी अटैच कर लेना है, ग्रीन कलर में भी 9 वायर्स अटैच कर लेना है। दो पिंक कलर वायर में 3 ग्रीन वायर्स अटैच कर लेना है। इस तरह दो ग्रीन कलर वायर में 3 पिंक कलर वायर अटैच कर लेना है। इस तरह 12 वायर्स में भी अटैच कर लेना है। देखिए मैं सारे वायर्स भी अटैच करी हूँ। इस तरह मिला है।
इसके बाद ऊपर का दो पिंक वायर को ज्वाइन करके नॉट बनाना है। सेम साइड का दो वायर्स को भी ज्वाइन करके नॉट बनाना है। सेम इसी तरह ग्रीन वायर में भी नॉट बनाना है। दो दो वायर सेम वायर है ना, उस दो वायर्स में ज्वाइन करके नॉट बनाना है। देखिए इस तरह शेप में मिला है। इसके बाद बीच में नॉट बनाकर कंप्लीट कर लेना है। देखिए यहाँ एक शेप मिला है, उसमें नॉट बनाना है। पहले एक नॉट बनाना है, बाद में दो नॉट बनाना है, इसके बाद थ्री नॉट्स बनाना है। देखिए इस तरह कंटिन्यूसली नॉट बनाकर बीच का गैप को कंप्लीट कर लेना है। इसमें देखिए मैं सारे गैप्स भी कंप्लीट करी हूँ। इस बैग का बेस मिला है। देखिए इस तरह राउंड शेप में बेस बनाए बाद ऊपर एक शेप का दो वायर्स को ज्वाइन करके नॉट बनाना है। सारे नॉट्स भी क्रॉस नॉट बनाना है। देखिए इस तरह एक शेप का वायर को ज्वाइन करके नॉट बनाते जाना है। इसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं है। दो ग्रीन कलर वायर मिलाकर डायमंड शेप मिला है। इस तरह सारे वायर्स में भी नॉट बनाना है। वायर का लेंथ कितना है सारे वायर्स में भी नॉट बनाकर कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरह फर्स्ट लाइन मिला है। एक शेप का ग्रीन वायर ज्वाइन होकर इस तरह डायमंड शेप मिला है। इसके बाद दो पिंक वायर मिलाकर पिंक डायमंड मिला है। इस तरह फर्स्ट लाइन कंप्लीट कर लेना है। सेकंड लाइन में दो मिक्स्ड कलर वायर मिलाकर मिक्स्ड डायमंड मिलेगा। इसके बाद सिंगल कलर में डायमंड्स मिलेगा। इस तरह इस बैग को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ देखिए मैं सारे लाइंस भी कंप्लीट करी हूँ। इस तरह डिजाइन मिला है। इस बैग के लिए मैं इस तरह डबल कलर यूज करके हैंडल बनाई हूँ। इस हैंडल बनाने का तरीका नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाले हूँ, आप जरूर देख लीजिए। इस वीडियो में आपको कुछ डाउट रहा तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। इसी मेथड में आपको बड़ा बैग चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं अपलोड कर सकती हूँ। इस वीडियो आपको यूजफुल रहा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।